पिछले साल एप्पल ने अपनी 10वीं सालगिरह पे एप्पल आईफोन 8 और 8 प्लस के साथ एक अलग और बेहतरीन अंदाज में आईफोन 10 को लॉन्च किया था, जो कि नॉच डिस्प्ले के साथ आता था। साथ ही साथ इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर हटा दिया गया था। अब कंपनी उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए आईफोन 10 नाम के इस बार 3 स्मार्टफोन्स लेके आई है। जी हाँ, कंपनी ने आज पेश किए आईफोन 10s, आईफोन 10s मैक्स और आईफोन 10R। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों फोन्स के बारे में बताता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करें iPhone XS और XS Max की, तो आपको इनमें डिस्प्ले और बैटरी में ही अंतर देखने को मिलेगा। iPhone XS में दिया है 5.8 इंच का OLED पैनल, जबकि iPhone XS Max में 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले दिया है। इसके साथ साथ अगर हम बैटरी पर नजर डालें तो iPhone XS की जो बैटरी है वो iPhone X के मुकाबले 30 मिनट ज़्यादा बैटरी बैकअप देने की क्षमता रखती है, जबकि XS Max की जो बैटरी है वो 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा बैटरी बैकअप देने की क्षमता रखती है। ये कंपनी ने अपने लॉन्च इवेंट में बताया है। इसके साथ साथ अगर आप लुक्स पे गौर करेंगे तो ये दोनों ही फोन्स आपको काफ़ी हद तक आईफोन 10 की तरह ही दिखाई देंगे। दोनों में ही सेम कर्व डिज़ाइन दिया है, नॉच मिलता है, बैक साइड पर ग्लास का इस्तेमाल किया है, वर्टिकल शेप में कैमरास दिए हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है और इस बार भी आपको फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी मिल जाएगा और फ्रंट में दिए सारे सेंसर्स सेम हैं। वहीं अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इस बार भी इसमें आपको डॉल्बी विजन के साथ HDR 10 सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जो डायनामिक रेंज है इसके डिस्प्ले की वो 60% पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हो गई है। साथ साथ अगर हम इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन पर नजर डालेंगे तो कंपनी ने इसमें A12 चिपसेट मुहैया कराया है, जिस पर कंपनी का कहना है कि इसका CPU जो है वो 15% फास्टर है और GPU 50% फास्टर। अब हमेशा की तरह बैटरी कंपनी नहीं बताई, सिर्फ कंपनी ने ड्यूरेशन के बारे में बताया था, रैम के बारे में भी इस बार कंपनी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कैमराज बताए हैं। तो कैमरा पर अगर नजर डालें तो इस बार भी आपको मिल जाता है 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रे सेंसर, जिसमें एक सेंसर वाइड एंगल फोटोज क्लिक करता है, आपको उसमें f1.8 का अपर्चर मिल जाता है। वहीं इसका सेकेंडरी सेंसर टेलीफोटो लेंस है और इसमें आपको f2.4 का अपर्चर मिल जाता है और इस बार भी आप इसमें स्टेज लाइटिंग फोटो खींच सकते हैं। पर कंपनी ने इस बार एक अनाउंसमेंट की है कि आप फोटो खींचने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम पर अपर्चर को चेंज करके यानी f1.4 से लेकर f16 तक के अपर्चर का इस्तेमाल करके आप डेप्थ को चेंज कर सकते हैं, जो कि आप दूसरे एंड्रॉइड डिवाइसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाएगा, जो कि f2.2 ट्रू डेप्थ कैमरा दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि दोनों फोन्स आपको 3 वेरिएंट्स में मिल जाएंगे, यानी 64GB, 256GB और 512GB। पर हाँ, ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा आईफोन XS और XS Max का, वो ये कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि दोनों फ़ोन में आपको डुअल सिम सपोर्ट मिल जाता है। यही नहीं, इस पूरे लॉन्च इवेंट का जो सबसे हाईलाइट डिवाइस रहा वो है आईफोन XR। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने इसे 6 अलग अलग कलर्स में लॉन्च किया है और आई एम श्योर कि जैसे ही आप इस फोन के कलर्स को देखेंगे तो इसे खरीदने का विचार जरूर बनाएंगे। अब बात करें आईफोन XR के स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है 6.1 इंच का LCD पैनल। अब हालांकि आपको आईफोन XS और XS Max में सुपर रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन कंपनी ने XR में लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मुहैया करा है। साथ ही साथ ये IP67 सर्टिफाइड है, लेकिन अगर आप लुकवाइज देखेंगे तो ये भी आपको आईफोन 10 की तरह ही दिखेगा। हालांकि इसमें आपको बैक साइड पर सिंगल 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि आईफोन XS के प्राइमरी कैमरा में इस्तेमाल किया है। वही सेम सेंसर आपको आईफोन XR के रियर कैमरा में मिल जाएगा। फ्रंट में भी आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिल जाता है। वहीं बैटरी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर अपने इवेंट में अनाउंस किया है कि आईफोन 8S प्लस के मुकाबले इसकी जो बैटरी है आपको 1.5 घंटा ज़्यादा बैकअप देने की क्षमता रखती है। तो अब आपने देख लिया कि कंपनी ने इस बार 3 बेहतरीन डिवाइसेस को लॉन्च करके अपने कंज्यूमर्स को खुश करने की पूरी तरह से कोशिश की है। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 10R आपको अलग वेरिएंट्स में मिल जाएगा, यानी इसमें आपको 64GB, 128GB और 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इनफैक्ट कंपनी ने इस लॉन्च इवेंट पर इन तीनों फोन्स की इंडिया लॉन्च डेट भी बता दी है। XS और XS Max आपको 28 सितंबर से इंडिया में मिलना शुरू हो जाएंगे, जबकि XR
26 अक्टूबर से मिलेगा। कीमत की बात करें तो 10R की शुरुआती कीमत है 76,900, जबकि 10S की शुरुआती कीमत है 99,900 और 10S Max की शुरुआती कीमत है 109,900। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने दमदार फोन्स थोड़े से महंगे प्राइसिंग पर ज़रूर निकाले हैं, लेकिन एप्पल के हिसाब से ये जायज़ हैं। अब अगर आप एप्पल फ़ैन हैं तो प्लीज़ इन फोन्स का वेट कीजिए, और अगर आप मेरे फ़ैन हैं तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ जो भी आपके कमेंट्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।